सब लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि कोरोना की सर्ज 2 है जो बड़ी तेजी से फैल रही है। हमारी यूटी में भी इसके केस काफी बढ़ गए हैं। वो जो डिस्ट्रिक्ट हमारे ग्रीन थे अब वो भी ग्रीन नहीं रहे हैं, बड़ी तेजी से फैल रहा। और पूरे भारतवर्ष में कल मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट केस 53,000 केस आए हैं एक दिन में। तो इस सिलसिले में होम मिनिस्ट्री का हेल्थ मिनिस्ट्री की डायरेक्शन से इशू हुई है कि इसका जो पालन है वो सख्ती से किया जाए। तो इसके लिए 3 चीजें सब लोगों को करनी है, एक मास्क वेयरिंग ऑफ मास्क, हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। तो सब लोगों को हमने कल अवेयर किया था, अनाउंस भी किया था आसपुरा के पूरी यहाँ टाउन में 2 बार करवाया कि सब लोग मास्क पहने, अगर जो नहीं पहनेगा वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो फिर सख्ती से किया जाएगा पालन इसका। तो आज हमने बाजार में चक्कर लगाया है तो SDPO आसपुरा मेरे साथ थे शरीर साहब। तो जो लोग बिना मास्क के थे, दुकानदार क्या थे या दूसरे थे, जो भी मिले उसको हमने चलान किया है और 500 रुपये आज जुर्माना किया है उनको। तो आगे सख्ती से इसको पालना करनी है, 3 चीजों का, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और हैंड वॉशिंग का। तो इन तीनों पे सब लोगों को मैं ये कहूंगा, जैसे पहले आप लोगों ने कोऑपरेट किया है, हमें काफी कोऑपरेट किया, जहाँ के लोग समझदार हैं। और अभी आपने देखा होगा कि आधे घंटे के अंदर ही सब लोग, पूरे मार्केट में इतना बिजी मार्केट है, सब ने मास्क पहने हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि आधे घंटे में किसी ने घर जाके मास्क नहीं लाया। मास्क लोगों के पास है, जहाँ वो जेब में डाला होता है, लेडीज ने पर्स में डाला होता है, जहाँ गले में लटकाया होता है, तो जहाँ कहीं ऐसी जगह। तो मास्क पहनने का प्रॉपर तरीका सबको पता है, मुंह और नाक ठीक से ढके होने चाहिए। जहाँ भी भीड़ वाली जगह पे ना जाएं हम, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और दुकानदारों को भी हमने कहा है, बिना मास्क के किसी भी कस्टमर को आप सौदा ना दें, अगर देंगे तो उनको 2,000 रुपये जुर्माना अलग करेंगे। अभी मैंने आज बस यूनियन वालों को भी बोल दिया है, बिना मास्क के कोई भी सवारी जो बस में बैठती है उसको बस में माथे बैठाने दो, अगर हमने देख लिया फिर हम जुर्माना लगाएंगे ड्राइवर को।